हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। और यदि किसी कारणवश किसी आवश्यक कार्य से बाहर निकल रहे होंगे तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कर रहे होंगे और अपने हाथों को सैनिटाइज भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ साबुन या हैंड वॉश से धो भी रहे होंगे। तो ये एक जनरल प्रिकॉशनरी एक्ट है जो हम सबको लेना है। और अब हम समय व्यर्थ ना करते हुए हमारे मुद्दे पे आते हैं। एज यू ऑल नो कि हम लोग जो है मॉडल्स को पढ़ रहे हैं। इस मॉडल सीरीज में आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत काबिले तारीफ है। मैं देखता हूँ अक्सर जब वीडियो डलता है, आप लोगों के कमेंट आते हैं, लाइक्स आते हैं। मैंने सैटरडे को एक्सरसाइज भी दी थी, उसको आपने सॉल्व करके मुझे वापस भेजा, बहुत अच्छा लगता है। ये इस बात को शो करता है कि आप कहीं ना कहीं लैंग्वेज के प्रति सीरियस हैं, क्योंकि भाषा है इंग्लिश और लैंग्वेज हैज़ टू बी लर्न्ड, ये सीखी जाती है, इसको पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं मॉडल्स एक प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब होती है। अगर कोई पूछे मॉडल क्या है तो आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ऑक्सिलरी या इरेगुलर वर्ब्स इनको अपन कहते हैं। इरेगुलर्स कहने के पीछे कारण है, सब्जेक्ट से अग्री नहीं करती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। ओवरऑल 13 मॉडल्स होते हैं जो आप जानते हैं बेहतर, 11 प्योर मॉडल्स और 2 जो होते हैं नीड और डेयर, वो हैं सेमी मॉडल्स। मतलब चूंकि मॉडल के साथ साथ मेन वर्ब का काम भी वो करते हैं। कैन, कुड, विल, शैल, यूज्ड टू, मे, माइट, ये हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार चीज़ है, अक्सर लोग उसमें कन्फ्यूज होते हैं, विल और वुड में। आज हम पढ़ने वाले हैं वुड, ठीक है, वुड, वुल्ड नहीं, वुड, ठीक है। वुड का प्रयोग सीखेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये दिखाता है विल के पास्ट टेंस में, कहाँ इसका यूज करेंगे, विल के पास्ट टेंस में, कहाँ पर, इनडायरेक्ट स्पीच में। नरेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि राशि सेड टू मी, राशि मुझसे बोली, आई विल कुक फूड। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, राशि टोल्ड मी दैट शी विल, काय में चेंज हो जाएगा, वुड में, वुड कुक फूड। ये हो गई एक बात हमारी। अब विल का वुड बना, फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। टोल्ड क्यों आया, दैट कहां से हमने यूज किया, दैट्स अ डिफरेंट केस, दैट विल लर्न इन नरेशन चैप्टर, क्लियर। आप ये याद रखिए कि नरेशन में विल इज चेंज इनटू वुड, ये फर्स्ट रूल हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेते चलिएगा। अगले नियम की तरफ हम चलते हैं। तो वुड का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों पास्ट हैबिट के लिए। पास्ट हैबिट आप जानते हैं, भूतकाल की आदत। यहां पर ये बन जाता है ताथा, ती थी और ते थे, ते थे, ठीक है। जनरली इसके लिए अपन ने देखा है कि लास्ट वीडियो में बताया था यूज्ड टू का प्रयोग ज्यादा पॉपुलर है, बट हम वुड का प्रयोग भी यहां पर कर सकते हैं। जैसे कि आई वुड टीच राधा, तो इसका मतलब निकलेगा कि मैं राधा को पढ़ाया करता था, या मैंने कहा कि शी वुड गो टू चर्च ऑन संडे, कि वो संडे को चर्च जाया करती थी, है ना, मतलब रविवार को चर्च जाया करती थी। तो ये उसकी आदत है जो कि अब नहीं है, क्योंकि ये वुड है, पास्ट हैबिट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। फिर इसका हम प्रयोग करते हैं एक तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट में। अब आप बोल सकते हैं कि सर विल भी तो पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज होता है, तो यहाँ विल की अपेक्षा में ज़्यादा फॉर्मेलिटी या सॉरी ज़्यादा पोलाइटनेस होती है। जैसे कि हमने कहा वुड यू सिट साइलेंट, क्या आप चुप बैठ जाएंगे, बड़े प्यार के साथ, विनम्रता के साथ। जैसे कि मैंने कहा वुड यू कम ऑन टाइम, क्या आप समय पर आएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गई पोलाइट रिक्वेस्ट वाली बात। अगला इसका जो काम है वो ये है, ये ऑफर देने के काम भी आती है। ऑफर जिसको हम कहते हैं, या प्रपोजल जिसको हम कह सकते हैं, किसी को कोई प्रपोजल या ऑफर देंगे। जैसे कि मैंने कहा वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, ये हमने ऑफर दिया है, प्रपोजल दिया है। अब इसकी अगली स्टेप में अगर हम बात करें, यहां पर हमने प्रपोजल दिया है, अगली स्टेप में क्या करेगा, अब आदमी चाय ना पी के उसको कॉफी पीना है, तो वो चॉइस लेगा, अपनी अपनी प्रेफरेंस को दिखाएगा या चॉइस को दिखाएगा।
तो भी वुड का प्रयोग करेगा। जैसे कि मैंने कहा भाई आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, कि नहीं भाई मेरे को तो कॉफ़ी पीनी है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस के लिए भी दोस्तों वुड का प्रयोग किया जाएगा। आप लोगों ने अक्सर स्टेज शो या टीवी रियलिटी शो में लोगों को प्राइज लेते समय बोलते हुए सुना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स, सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता का धन्यवाद देना चाहूँगा। तो दिखाई था उसने अपनी चॉइस कि मैं ऐसा करना चाहूँगा। अब कोई घर पर आया, चाय लेंगे कि कॉफ़ी, उन्होंने कहा एक काम करो पहले तो कॉफ़ी पीऊँगा मैं, है ना, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, है ना। अब टेंथ में बच्चा पास हुआ, इलेवंथ में सब्जेक्ट लेना है कि बेटा क्या लेगा, बायो लेगा, मैथ्स लेगा, आई वुड लाइक टू लर्न मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स सीखना चाहूँगा या टेक मैथमेटिक्स, इस प्रकार से, ठीक है। तो प्रिफर करना, प्रेफरेंस देना या चॉइस के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। वुड इज़ ऑल्सो यूज टू शो पॉसिबिलिटी और संभावना, जिसको हम कहते हैं पॉसिबिलिटी या संभावना। जैसे कि मैंने कहा ही वुड बी राम, वह राम होगा, ये वर्तमान की संभावना को दिखाता है, है ना। जैसे कहीं कोई आदमी देखा, उन्होंने कहा कौन है यार ये राम होगा, तो ही वुड बी राम, ही विल बी राम वहाँ पर बोलना ज़्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि राम भविष्य की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो भविष्य को जब हम वर्तमान में दिखाते हैं, है ना। जैसे कि मैंने कहा वह सो रहा होगा, तो ही विल बी स्लीपिंग, नहीं क्या बोलना पड़ेगा, ही वुड बी स्लीपिंग। इसका मतलब ये है कि आप भविष्य की बात को कहाँ कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं। तो यही मेजर डिफरेंस है विल और वुड में, ठीक है। तो ये हो गई पॉसिबिलिटी या संभावना वाली बात। एक और बात याद रखेंगे, वुड यू माइंड, इसका मतलब होता है कष्ट करेंगे। इसके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि वुड यू माइंड कमिंग ऑन टाइम, क्या आप समय पर आने का कष्ट करेंगे, तो वुड यू माइंड है, इसलिए वर्ब की क्या लगी है, आईएनजी फॉर्म। यूजुअली मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, वो रूल है, बट यहां चूंकि माइंड लगा है, माइंड के बाद हमेशा आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला नियम है इसका, वो है कंडीशनल सेंटेंस में, काय में कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त वाले वाक्यों में हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने कहा इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, I would build another ताज for you। अब लड़का लड़की से कह रहा है कि भाई अगर मैं अमीर होता, मतलब अमीर हूं नहीं, अगर होता, यहां लगा है वर, रियलिस्टिक सेंटेंस नहीं है, तो यहां क्या लगाया आपका वुड, I would build बनाना, निर्माण करना, आई वुड बिल्ड अनादर ताज फॉर यू, बोलते ना अगर मैं वहां होता, इफ आई वर देयर आई वुड लेट हिम गो, मैं उसे जाने नहीं देता। तो कंडीशनल सेंटेंस में भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है वुड या वुड हैव का यूज करते हैं, वो कंडीशंस में आपको चार किसी अगले वीडियो में कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। तो यहां हमने देखा वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट में, पॉसिबिलिटी में। एक और चीज के लिए इसका प्रयोग करते हैं, वो है डिटर्मिनेशन, मतलब किसी चीज़ को करने की दृढ़ इच्छा के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा आज जीत कर ये रहूँगा, आई वुड विन टूडे। यहाँ पर विल की अपेक्षा में ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है, डिटर्मिनेशन को भी दिखाता है कि आई वुड विन, इंडिया वुड विन WTC फाइनल, कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत जीत कर ही रहेगी या जरूर जीतेगी। इस प्रकार से भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो मज़ेदार फंडा था, आप बताइए कि क्या आपको वुड अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, इसका आंसर आपको देखना है और इसका आंसर मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि मैंने कहा वुड यू माइंड ब्लैंक योर माउथ शट, ये ऑप्शन है, और ऑप्शन है आपके पास जो है टू कीप, कीप, और यहाँ पर है आपके पास एक और ऑप्शन कीपिंग, ठीक है। तो दिस इज A question for you guys, you have to solve it and send me in the form of your comments. Next video में फिर मुलाकात होगी। I hope ये video बहुत अच्छा लगा होगा, एक नई energy के साथ मैंने ये video बनाया है। I hope आप like करेंगे, comment करके मुझे ज़रूर बताइए, मुझे encourage करें, कुछ कमी लग रही है तो भी बताने की ज़रूरत बिल्कुल है, ताकि मैं improve कर सकूँ। फिर मुलाकात होगी, जय हिंद।